आज के टॉपिक है नंबर, बुलेट्स, पेज स्टाइल एंड चेंज केस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन ऑफिस ओपन कर लेते हैं, उसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ये हमारा ओपन ऑफिस राइटर ओपन हो गया है। यहाँ पास आपको फॉर्मेट मेनू में जाना है। ये 5 नंबर पे जो मेनू दिख रहा है आपको, फॉर्मेट मेनू, इसमें ऑप्शन दिखेगा आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये ऑप्शन आपको यहाँ पास भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पास देखिए नंबर और बुलेट्स, तो आप चाहे तो यहां से इंसर्ट कर सकते हैं बुलेट्स और नंबरिंग, चाहे यहां पास से इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। इसको ओपन कर लेते हैं। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। नंबर और बुलेट्स का यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। जहां पास हमें लिस्ट की जरूरत पड़ती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, या किसी का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, किसी के बारे में कोई पॉइंट देना होता है, मल्टीपल पॉइंट्स देने होते हैं, तो हम बुलेट्स और नंबरिंग का यूज करते हैं। कहां पास आपको नंबरिंग यूज करना है? जब बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होता है, जैसे सपोज स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, बहुत सारे रिकॉर्ड है, तो आप इजिली उसको देख के अगर काउंट कर सके तो वहां पास आप नंबर का यूज करें। रिकॉर्ड अगर छोटे होते हैं और उनको अगर लिस्ट के फॉर्मेट में आपको बनाना है तो आप वहां पास बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पास देखिए बुलेट्स दिए हुए हैं, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग स्टाइल में दिए हुए हैं। नंबरिंग देखिए अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, आउटलाइन दिया हुआ है, ग्राफिक दिया हुआ है। कुछ अगर इस तरह के ग्राफिक्स का यूज करना चाहते हैं लिस्ट बनाने के लिए तो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए। सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन हम टाइप कर लेते हैं। यहां पर हमने 2 लाइन टाइप किया है, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि हमने बताया था, आप फॉर्मेट में भी जाके इंसर्ट कर सकते हैं या आप यहां से डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग पे जाना है आपको। अगर आप बुलेट्स चाहते हैं, इसमें से कोई भी बुलेट चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करें जो भी आपको सेलेक्ट करना हो, उसके बाद ओके पे क्लिक करें। ये देखिए ये इंसर्ट हो गया। इसके अलावा आप जो भी टाइप करेंगे और इंटर की प्रेस करते जाएंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक बुलेट्स आता जाएगा। यहां पास अगर आपको बुलेट्स नहीं चाहिए तो इसको बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं। सपोज यहां नहीं चाहिए आपको तो बैक स्पेस का यूज करके इसे डिलीट कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं नंबरिंग का। सेलेक्ट कर लीजिए इसको। अगर नंबरिंग यूज करना है आपको लिस्ट बनाने के लिए, फॉर्मेट में फिर भी से जाएंगे, बुलेट्स से नंबरिंग में जाएंगे। यहाँ पास सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है आपका नंबर, उसका यूज करेंगे जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए और ओके करेंगे। ये देखिए नंबर फॉर्मेट में आ गया। इसमें भी वही चीज है, अगर आपको कोई लिस्ट में से डिलीट करना है तो आप बस बैक स्पेस दबाइएगा और वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। फॉर्मेट मेनू में बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई ग्राफिक चाहिए, ये जो पहले से प्री डिफाइन ग्राफिक्स होते हैं कुछ, अगर इनमें से कोई सिंबल अगर आपको चाहिए तो आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में जाइए और जो भी ग्राफिक्स आपको लेना है यहां से आप ले सकते हैं। इस तरह से ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेज। जैसा कि हमने बताया था कि पेज स्टाइल ऑप्शन को यहाँ पर समझाया जाएगा। यहाँ पास पेज स्टाइल को आप ओपन कर लीजिए। ये इसका डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पास ऑर्गेनाइजर, पेज, बैकग्राउंड, हेडर, फुटर, बॉर्डर, कॉलम, फुटनोट, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पास आप पेज को यहाँ पास सेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट, उसकी विथ और हाइट यहाँ से सेट कर सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में। ये देखिए यहाँ से इसका पेज का साइज सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप बैकग्राउंड, अगर आपको पेज का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप पेज का कलर दे सकते हैं। ये देखिए पेज का कलर यहाँ से चेंज हो गया। इसके अलावा फिर आता है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का जो वीडियो है ऑलरेडी बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप हेडर या फुटर ऑन करते हैं तो यहाँ से आप उसका लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे कि टॉप में हमने बताया था जो हेडर फुटर यूज करते थे, टॉप में यहाँ पास एरिया बन जाता है, ब्लॉक बन जाता है, वहां पास अगर आपको सेट करना है लेफ्ट या राइट मार्जिन, ये देखिए यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, इधर से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हेडर और फुटर में कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास नीचे ऑप्शन दिया हुआ है मोर का। यहां से हम हेडर का कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज हमें हेडर का कलर चेंज करना है,
ओके कर देंगे। फिर ओके, ये देखिए ये जो एरिया बना हुआ है ये हेडर का है, यहाँ पास से कलर चेंज हो गया। इसी तरह अगर हम फुटर का कलर चेंज करना चाहते हैं, फिर से वही पेज पे जाएंगे, पेज ऑप्शन पे, और फुटर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फुटर ऑन करेंगे, और फुटर का जो भी कलर आपको रखना है वो यहाँ से आप दे सकते हैं। तो बस येलो रखना है तो येलो कर दिए, ओके कर दिए। अब फुटर में आते हैं, ये देखिए फुटर ब्लॉक जो है इसका कलर चेंज हो गया। इसके बाद बॉर्डर दिए हुए हैं, अगर आप बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर पेज का दे सकते हैं, अलग अलग तरह का बॉर्डर दिया हुआ है, इससे पेज का बॉर्डर सेट कर सकते हैं। पेज का बॉर्डर यहां से देख लीजिए, पहले ये ऑल साइड ये स्टाइल है इसका, ये प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके कर लीजिए। ये देखिए यहां से हम पेज का जो बॉर्डर है वो दे सकते हैं। इसको आता है कॉलम, अगर आपको कॉलम देना है, दो भागों में इसको कॉलम में बनाना है, तीन भागों में बनाना है, तो आप यहां से सेट कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग कॉलम जैसे बन गए हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। इसके बाद आता है फुट नोट। फुट नोट और एंड नोट का यूज अगर आपको करना है तो आप इंसर्ट मेनू में जाके, इंसर्ट मेनू में आपको हेडर और फुटर के जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिखता है फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट का यूज कैसे करते हैं, ये देखिए ये फुट नोट है और एंड नोट। अगर हम यहाँ पास कोई सिंबल या कोई ऐसा साइन दे दे, कोई चीज को हम अगर समझाना चाहते हैं तो उसको हम बॉटम में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पास केवल उसकी हेडिंग हम यहाँ पास यूज कर लें और उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम बॉटम में डिफाइन कर सकते हैं एंड नोट फुट नोट के थ्रू। देखिए कैसे कर सकते हैं, एक आपको समझाते हैं। इंसर्ट में जाना है, फुट नोट एंड नोट पे क्लिक करेंगे। अगर कोई भी सिंबल आप यहाँ पास लाना चाहते हैं, गुड के पास अगर कोई सिंबल आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। सपोज हम यहाँ पास हैशटैग देना चाहते हैं और ओके कर देंगे। ये देखिए ये हैशटैग आ गया, ये हैशटैग यहाँ भी बना होगा गुड के बाद जहां पास हमारा कर्सर था। अब इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो आप यहां से दे सकते हैं, आई एम फाइन। अब जैसे इसके ऊपर आप कर्सर ले जाएंगे, ये देखिए फुट नोट में आई एम फाइन करके दिख रहा है। तो जो भी चीजें आपको अगर समझाना है तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है आप नीचे बॉटम में दे दीजिए, फुट नोट में दे दीजिए, और उसका बस एक साइन या सिंबल आप यहाँ पास यूज कर सकते हैं ताकि जैसे ही माउस कर्सर वहां पर जाए तो आपको उसका डिटेल पता चल जाए। इसी तरह आप फुट नोट और एंड नोट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, पेज पे जाते हैं, ये फुट नोट जो ऑप्शन हमने इंसर्ट किया है अभी, इसमें अगर आपको सेट करना है मैक्सिमम फुट नोट हाइट कितनी रखनी है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। स्पेस टू टेक्स्ट के बीच में स्पेस कितना रखना है ये सेट कर सकते हैं। सेपरेट लाइन, अगर फुट नोट के लिए आप सेपरेट लाइन देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पास मैं एक सेपरेट लाइन दे देता हूँ, ओके। अब ये देखिए ये सेपरेट लाइन आपको यहाँ पास दिख रहा होगा, आई एम फाइन, ये फुट नोट के लिए हमने यहाँ पास दे दिया। इसे इस लाइन को अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाएंगे, पेज ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पास आपको जो पोजीशन दिख रहा है सेपरेट लाइन का वो लेफ्ट है, इसको आप सेंटर कर लीजिए और ओके कर लीजिए। ये देखिए ये फुट नोट का लाइन बन गया, और यहाँ पास हैशटैग बना हुआ आई एम फाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका ऑप्शन कहाँ दिया हुआ, आई एम फाइन, और ये सेपरेट हो गया, इसके आगे जो है वो फुट नोट यूज हो रहा है। इसी तरह एक ऑप्शन और आता है आपका एंड नोट का, तो एंड नोट के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं कोई सिंबल तो यहाँ पास एंड नोट के लिए उसका साइन हमने यूज कर लिया, ओके किया। ये देखिए एंड नोट के लिए भी हम सेम वही चीज यूज कर सकते हैं, एंड नोट जो है वो नेक्स्ट पेज पे आपका टॉप में आ जाता है, और फुट नोट जो होता है आपका उसी पेज में बॉटम में आपको दिखाई देता है। यहाँ पास वही चीज है जो भी आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पास कर लीजिए, और जैसे ही यहाँ पास इस साइन के पास आप पॉइंटर ले जाएंगे उसका डिटेल आपको यहाँ पास दिखाई देगा। नेक्स्ट है चेंज केस। चेंज केस क्या होते हैं, अगर हम किसी सेंटेंस को किसी वर्ड को
अपर केस में करना चाहते हैं, लोअर केस में करना चाहते हैं, कैपिटल में करना चाहते हैं, टॉगल केस में करना चाहते हैं, सेंटेंस केस में करना चाहते हैं, तो हम उसे सेलेक्ट करके डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गुड जो लिखा हुआ है, इससे अगर हम कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो हमें इसे सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पास चेंज केस, और कैपिटल में करना है तो अपर केस, ये देखिए, और लोअर में करना है तो लोअर केस, सेंटेंस केस में करना है तो सेंटेंस केस, और कैपिटल कैपिटलाइज एवरी वर्ड, ठीक है, इसमें हर वर्ड जो है उसका पहला नंबर लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। तो इस तरह से हम इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर हेयर गुड आए, हमने यहां पर लिखा, सेट सेलेक्ट करते हैं इसको, चेंज किस गए, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, इसमें हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेंज केस का भी यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।